हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, लीनियर कॉन्ग्रुएंस हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम लोग थ्री डिफरेंट मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तीन अलग अलग तरीके आपको बताऊँगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो है 3+1 मेथड होगा, ठीक है। वन यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो आप इसको अच्छे से देखिए, बने रहिए आप, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। मैंने पिछले कुछ लेक्चर में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, जहाँ से आपको काफ़ी जो है इसमें प्रैक्टिस हो गया होगा। अब आइए थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं, देखते हैं कितने तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस का जो मज़ा है वो भी हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हम इसका देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहला काम होता है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। हियर आप देखेंगे कि 36 और 157, ठीक है, यानी ए और एम का जीसीडी क्या है, वन है, ठीक है, वन ही है, डेफिनेटली, नो डाउट, ठीक है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि वन जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, तो सेवन को भी करेगा। सो वन डिवाइड सेवन, ठीक है। देयरफोर सॉल्यूशन क्या कर रहा है आपका, एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एंड कितना होगा, तो यूनिक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों का सबसे पहला स्टेप होता है, ये आपको कर लेना है। नाउ अब आप देखिए, तरीका देखिए, ठीक है। आपको ये दिखा है 36x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 157, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 7/36 मॉडुलो 157 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ठीक है, कि हम लोग ये करेंगे ना कि ऊपर में कुछ ऐड करेंगे ताकि मेरा 36 से वो कैंसिल हो जाए और मेरे को इंटीजर सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो ऊपर में आपको पता है कि आप कभी भी कोई नंबर है तो उसमें आप जीरो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्या होता है, 7/36 ही होता है। लेकिन जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का बात करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक है, अगर हमको ऐड करना है तो हम ऊपर में क्या ऐड करेंगे, 157 ऐड करेंगे, ठीक है, बाई 36। क्यों, चूँकि हम लोग मॉडुलो 157 में काम कर रहे हैं और 157 इज़ लाइक दैट जीरो, ठीक है, चूँकि ये जीरो है, चूँकि ये पूरा पूरी इससे डिविजिबल है, तो हमको यहाँ पर रिमाइंडर जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, तो हम लोग ऊपर में जो है यहाँ पे, अच्छा, ये प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अभी देखिए, प्लस करने से फ़ायदा नहीं है, तो मैं माइनस करता हूँ। तो 7/137/36 modulo 157, ओके ओके, वी कैन राइट इट। नेक्स्ट, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 150 - 36 modulo 157, ओके। सो दिस इक्वल टू, जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 से, तो ये हो जाएगा -50/12 modulo 157, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग कुछ और भी, जैसे एक बार थोड़ा और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज़ -25/6, अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारा ये चला आता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी भी मेरा ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर से हम लोग एक बार इसमें 157 ऐड करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लाइक दैट, 0/6 modulo 157, ठीक है। अब शायद हमको फ़ायदा हो गया है, इसलिए कि 157 में जब आप 25 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 132, ठीक है, बाई 6 modulo 157, और ये आपका फिर 6 से डिविजिबल है। सो फाइनली वी गेट एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 22 modulo 157, तो हमारा यही सॉल्यूशन आया, ठीक है, चूंकि यूनिक सॉल्यूशन था तो यही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, हाँ, चलो ठीक है, इसमें बहुत कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड हमारा वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और जो शायद हर एक के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, वो है क्या, वो है हमारा यूक्लिडियन का अल्गोरिदम से बनाना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना है
कि आपको 157 को रफ में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, सबसे पहले किससे, 36 से, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 144, रिमाइंडर आपको आ जाएगा 13, फिर आप 36 को करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर आपको मिलेगा 10, फिर आप 13 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर मिलेगा 3, फिर हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 टाइम, रिमाइंडर 1, और अगेन 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है मेरा, जैसे मेरे को आर वन मिल रहा है 13, आर टू मिल रहा है 10, आर थ्री मिल रहा है 3, आर फोर मिल रहा है 1, और आर फाइव मिल रहा है मेरे को 0। तो ये जो आर फोर है यही मेरा क्या होता है, जी सी डी होता है, ठीक है। और हम लोग ऊपर देखे थे कि 36 का और 157 क्या मैंने लेके चाहिए, बोला कुछ और किया कुछ और, ठीक है, ये 157 है, इसको ठीक कर लीजिएगा, दिमाग में मेरे 157 था, ठीक है, ये लिख दिया था 156, ठीक है, तो 157, ओके। तो 157 और 36 का जी सी डी क्या होता है, डेफिनेटली 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो मेथड है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने ये तो चेक कर लिया कि सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूक्लिडियन, अप्लाई अप्लाई यूक्लिडियन यूक्लिडियन अल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिडियन का अल्गोरिदम लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग वन बाई वन करके लिखेंगे इसको, सबसे पहले क्या होगा, 157 को लिखेंगे, फिर से देखिए 156 आ जा रहा है, क्यों बार बार आ रहा है भाई, 6 से कोई खास रिश्ता तो नहीं है, 157 इज इक्वल टू, ओके, 36 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 13। नेक्स्ट में फिर हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13 से किया था तो 13 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 10। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने फिर 13 को किया था 10 से, 10 वन जार 10 प्लस रिमाइंडर 3। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोगों ने 3 को किया 1 से, 1 3 जा 3 और प्लस रिमाइंडर, अच्छा एक स्टेप और था बीच में ना, यस, फिर हम लोगों ने 10 को किया तो 10 को 3 से किया तो 3 3 जा 9 प्लस 1, ठीक है। लास्टली हम लोगों ने 3 को किया तो 1 3 जा 3 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि हम लोगों का ये आर फाइव ये 0 हुआ, तो हम लोगों का जो आर फोर है वो हम लोगों का जी सी डी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो हियर मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 को हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, ये सेकेंड लास्ट इक्वेशन से चलते हैं ना, ठीक है। चलिए अब 1 को ही जी सी डी को मेरे को लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो जो आपको सोल्व करना है वो आपके हमेशा सामने होना चाहिए, किसे सोल्व करना है, 36 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 157, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हमको इसी का पैटर्न चाहिए, और जी सी डी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 36 और 157 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी 10 आगे बढ़िए फिर, ठीक है, तो फिर मैं और ऊपर चलूँगा तो 3 को हटाऊँगा, सो 10 माइनस 3 इंटू अगेन 13 माइनस 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं कि 10 इंटू 4 आ जा रहा है और -3 इंटू 13 आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग फिर और ऊपर चलेंगे, ठीक है, और ऊपर जब हम लोग चलेंगे तो किसको हटाना है, ठीक है, हम लोग हटाएंगे 10 को, तो 10 को हटाएंगे तो फिर इसको अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 36 माइनस 13 इंटू 2 इंटू 4 -3 इंटू 13, ठीक है। तो देखिए क्या आ जा रहा है, 36 टाइम्स 4 आ रहा है, और ये -13 चौके 52 होता है, 52 और 3 आपका हो जाएगा, ठीक है, 36 का मल्टीपल तो हम लोगों का 4 आ गया, ठीक है, और 13 का मल्टीपल क्या आ जाएगा, तो 13 का मल्टीपल देखिए यहाँ से, ये 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा, 8 मल्टीपल है यहाँ पे, और -3 तो 11 इंटू 13 आ जा रहा है, ठीक है, ओके। तो जो मेन फिगर है जैसे हमारा 36 है, 36 को आप ऐसे रखिए ज़्यादा बेटर है, तो 4 इसका मल्टीप्लायर हो गया। अब हमको 13 को हटाना है, ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला स्टेप यूज़ करेंगे, तो 36 इंटू 4 यहाँ से 13 को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -11 157 -36 इंटू 4 लिखा जाएगा, ठीक है, 13 को हटाएंगे तो अब मेरा पूरा मल्टीपल आ जा रहा है 36, ठीक है, का क्या आ जाएगा, ये 4 है
और 11 फोर जा, ये 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 फोर जा 44, तो 36 × 48 आ जा रहा है, ठीक है ना। ओके माइनस, और जो इसका मल्टीपल है वो क्या है, वो है 11 × 157, ठीक है। तो मैंने इसको अंडर ब्रैकेट रखा है 36 को और 157 को, जिसका टर्म में हमको लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो इधर आपका 1 आया, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से काम हो जाता है इजी। कैसे, देखिए अब आप इस फॉर्म में सजाने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 36, ठीक है, × 48, ओके, इक्वल टू 1 + 11 × 157, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है अगर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन। तो 36 + 48 कॉन्ग्रुएंट टू 1 + 157 × 11, मॉड कितना लगाएंगे, मॉडुलो लगाएंगे 157, चूँकि हमको 157 में ही काम करना है, ठीक है। 157 में काम करेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। चलिए अब बहुत जल्दी हमारा ये फिनिश होने वाला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा ये, ठीक है, 36 × 48, ओके, कॉन्ग्रुएंट टू, ये देखिए ये तो मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 157 से डिवाइड करेंगे तो, सो वी हैव, ठीक है, हमको सिर्फ 1 बचेगा, मॉडुलो 157, ठीक है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पूरा कंपेयर कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन था हम लोगों का 36 congruent to 7 modulo 157, ठीक है। तो पूरा इसके जैसा आना चाहिए ताकि जो एक्स है वो मेरे को एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो सारा कुछ आ गया है, यहाँ पे मेरे को 7 चाहिए, तो 7 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर करना है तो इधर भी करेंगे 48 × 7, और ये कॉन्ग्रुएंस के प्रॉपर्टी में है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब आपका काम बन चुका है, ये आपका आ गया 36 × ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 7 से, तो क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 336, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 7 modulo 157। तो अब आप देखिए पूरा इससे कंपेयर कीजिए, पूरा आ चुका है, तो एक्स एक्स के प्लेस पे क्या है, तो हम लोग बोलेंगे एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 336, ये जो है मॉडुलो 157, ये क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा है 157 से, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 157 से, तो 336 को 157 से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ठीक है, 2 बार में जाता है, ठीक है, और क्या आ जाएगा 314, तो रिमाइंडर बचेगा आपको 22। तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट टू 22 है मॉडुलो 157, यानी 157 से भाग करने पे मेरे को रिमाइंडर क्या मिलता है, 22, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, एंड सिंस इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस इज़ ए यूनिक कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेकंड मेथड यूक्लिड का एल्गोरिदम था, जिससे आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड मेथड, देखिए जो थर्ड मेथड है हमारा वो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो देखिए जो कि आपको इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आप ये करें, क्योंकि आपको 36 से काम है और 157 से काम है, तो आप सबसे पहले 157/36 को आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के आप वहाँ से भी देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, करना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, सॉरी यहाँ पे 36 है हम लोगों का, ओके। तो देखिए करते क्या है, बहुत सिंपल है, वही डिवाइड करते हैं, 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 13 बचेगा +36, ठीक है। आगे फिर 4+, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ये 36/13, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हम लोग, 36 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 2 टाइम्स जाएगा, 10 आपका बच जाएगा रिमाइंडर, 10/13, ठीक है। तो यही इसका तरीका है, और इसको बहुत फास्ट भी करने का तरीका है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में, जा करके आप ज़रूर देखिए, ठीक है। 13/10 कर देंगे इस तरीके से, तो ये फिर आपका आ जाएगा 4+1/2+1, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसको करेंगे तो 1+ क्या होगा, एक बार जाएगा, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 3/10, ओके। एक और बार ये जाएगा, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ 4+1/2+1/1+, इसको फिर आप लिखेंगे क्या, 10/3, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का आएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें, इसको करने में, ठीक है। बस 1/1 करते जाना है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपका आता ही जाता है, ठीक है। तो ये लास्टली आपका आ जाता है 4+1/2+1
टू प्लस वन बाई वन प्लस वन बाई, अब फिर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और 1 बाई आपका 3 बचेगा, ठीक है। अब सब जगह देखिए, आपको को नोटिस करना है ये कि आपका हर जगह ये वन 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 आ चुका है, ठीक है। तो अब आपका काम बन गया है, तो हम लोगों को बस देखना होता है ये कि नीचे में कितना आया है, 3, ठीक है, फिर ये 3, फिर ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 4, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है 5 कन्वर्जेंट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, Q5, P5/Q5 बोलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे P5/Q5, ओके, P5/Q5, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि आपको निकाल लेना है P4/Q4, यानी एक कम कर देना है, ठीक है। P4/Q4 निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो हम लोगों को 4 तक जाना है, ठीक है। तो 4 तक आप जाएंगे ऊपर से, ऊपर से 4 तक जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी आपको यहीं तक का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक का वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3, ठीक है, यही होगा। अब ये वैल्यू भी विद इन द सेकेंड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, आप जा करके मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप इसको सिस्टमेटिक भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जो तरीका है सोल्व करने का कि 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस, अब ये हो जाएगा क्या, 4/3, तो इसको लिखेंगे 3/4, उल्टा है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई, ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोगों का आ जाएगा 4 2 जा 8 और 3 11/4, ठीक है। तो इसको आप फिर से ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/11, ठीक है। तो यहाँ से 11 चौके 44 और 4 48 बटा का 11, ये लास्टली हम लोगों का आ गया, तो ये हम लोगों का ये आ गया, ठीक है। और P5/Q5 जो था वो एक्चुअली क्या था, वो था हमारा 157/36, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने बहुत जल्दी निकालने का तरीका भी बताया हुआ है, ठीक है। जैसे इसको अगर आप बहुत जल्दी निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि हम लोग बस ये देखते हैं कि लास्ट में क्या है, 1 3 है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 1 और फिर 3, कॉमा नहीं देंगे बीच में, ठीक है। और फिर हम लोग बस ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है। तो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं +1 +2 और +4, ठीक है। अब कुछ करना नहीं होता है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, अब पहले वाले वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो 3 1 जा 3 और 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 और उसके प्रीवियस वाले को जोड़ दीजिए 11, ठीक है, 11 4 जा 44 और +4 को जोड़ दीजिए 48। तो ये जो लास्ट 2 बनता है इसी से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 48/11। तो ये एग्ज़ाम वगैरह में आता है, तो बैंकिंग वगैरह में, ठीक है, SSC वगैरह में इस तरह का, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो खैर 48/11 आ गया और P5/Q5 भी आपको मिल गया है। तो अब आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन जो है वो फिनिश होने वाला है। देखिए कैसे फिनिश होगा, देखिए थोड़ा सा और है, ठीक है। तो हम लोगों को जो आ गया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। नाउ क्या आया है, तो P5/Q5, अच्छा ये जो है इसका एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, आप लगा के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। P4/Q4 के आप इक्वल ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इक्वल होता नहीं, इक्वल आप लीजिएगा तो देखिए क्या मज़ा आएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिजल्ट ये आता है ना कि मैं रिजल्ट ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। नाउ ठीक है, ऐसे आप लिखिए, टेक टेक P5/Q5 एंड P4/Q4, ठीक है। तो जब आप लेंगे तो आप देखिए क्या है, एक है आपका 157/36, ठीक है, और दूसरा क्या है, और दूसरा है आपका 48/11, ठीक है। अब आप देखिएगा कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको जो है देखना है क्रॉस करके, जब भी आप क्रॉस कीजिएगा ना तो ये आपको डिफरेंस इसका 1 मिलेगा। दैट इज़ क्या, दैट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि P5/Q4 माइनस, ठीक है, Q5/P4, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आपको 1 मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस हमेशा आपको पॉजिटिव डिफरेंस 1 आएगा ऐसे क्रॉस करने से, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा, गेट्स ये आपको देता है क्या, 157/11 -36/48। अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते तब भी आप जानिए कि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, वो आपको क्या देना है, वो आपको देगा 1 देगा, ठीक है।
ओके, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 48 ठीक है इंटू 36 ये आपका ग्रेटर है और 157 इंटू 11 ये आपका स्मॉलर है, तो ये आपको इस तरीके से 1 आएगा ठीक है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है तो किसी को पहले लिख सकते हैं, ये ग्रेटर है। अब देखिए, अब जो हमको सोल्व करना था, सोल्व किसको करना है, जो आपका टास्क है उसको आप देखिए। टास्क हमारा था कि हमको 36x कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो ठीक है 157 इसको आपको सोल्व करना है ठीक है। तो हम लोग अब इस फ्रेम में इसको यहाँ पे से सजाएंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 36 लिखेंगे, एक्स के यहाँ पे 48 लिख देंगे ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 + 157 ठीक है इंटू 11 और लगा दीजिएगा मॉडुलो 157। देखिए अब आपका ये एग्जैक्टली सेम आ गया है जो यूक्लिड से आया था ठीक है, वही आ गया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यूक्लिड से बनाना है कि जो है इससे करना है, हालांकि दोनों देखा जाए तो एक ही चीज़ है क्योंकि डिवीजन दोनों में करना पड़ता है ठीक है, लेकिन बट मेथड वाइज दोनों अलग अलग हो जाते हैं ठीक है। अब यहाँ से आपका काम खत्म हो जाएगा, 36 इंटू 48 ठीक है 157 इंटू 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, सो वी हैव ओनली 1 एज ए रिमाइंडर 157 ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो सिर्फ 1 बचेगा ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 7 चाहिए, 7 मॉडुलो 156 ठीक है, मैं जब इससे मैच करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ ठीक है, ताकि 7 7 आपका फिर से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर आने लगा है 36 ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, फिर से आपका आता है 336 ठीक है कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 157। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्स के प्लेस में क्या है, 336 है, कंपेयर कीजिएगा तो ठीक है मॉडुलो 157, और 157 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली आपको रिमाइंडर आता है 22 ठीक है, जैसा हम लोग देखे थे। तो यही आपका फिर फाइनली आंसर आ गया ठीक है, तो वही आंसर आया है जो आपको यूक्लिड से भी आया था ठीक है। तो ये एक मेथड था ठीक है, जो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जानना चाहिए कितने तरीके से आप बना सकते हैं ठीक है, बाकी जो है एग्ज़ाम में कैसे बनाना है आपको, तो आप फर्स्ट मेथड से बना सकते हैं अगर थोड़ा उसमें कमांड हो तो, अदरवाइज़ आप यूक्लिड से बना सकते हैं ठीक है। एक जो चौथा मेथड होता है, फोर्थ मेथड ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड ठीक है। मतलब कि आपको भी पता है कि आप जो है कोई कोई क्वेश्चन को क्या करते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में आप ऐसे करते हैं कि वैल्यू डालते हैं और चेकआउट करते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है ये ठीक है। जैसे यहाँ पे जो था हमारा वो क्या था, वो था 36 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 157 ठीक है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे बेसिक वैल्यू अगर रखते जैसे 1 2 3 4 तो ये शायद यहाँ पे हिट नहीं करता ठीक है, तो नहीं हिट करता तो यहाँ पे ये काम नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि बहुत जगह ये बहुत धड़ल्ले से काम कर जाता है और बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता है ठीक है, और आपको वहाँ पे फिर टाइम बच जाता है ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन एक आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए हमको सोल्व करना है 9x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 15 को ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 9 और 15 का जीसीडी जो है वो 3 है, 3 12 को डिवाइड करता है तो हमको 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है ना। ओके अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम इसको दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5 ठीक है, सब में हम लोगों ने 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं आसानी से, चूंकि ये छोटा फिगर है ठीक है, और 5 का टेबल हमको देखना है तो आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको इजीली दिख जाएगा यहाँ पे कि 3 इंटू 3 आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 - 4 5 से डिविजिबल है। दिस सिंपलाइज हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 3 जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है ठीक है। अगर 3 इसका सॉल्यूशन है तो ऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ऑल सॉल्यूशन चूंकि यहाँ पे हमको टोटल 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिल रहा है तो ऑल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 3 + m/d इंटू टी, जहाँ टी मेरा क्या होगा, डी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो हमको जो ऑल सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है 3 + m मेरा 15 है ठीक है, और डी मेरा 3 है, तो 15/3t दैट मीन्स 3 + 5t ठीक है, और टी का वैल्यू क्या क्या ले पाएंगे, 0 1 और 2, चूँकि डी आपका क्या है 3 है तो 3 से छोटा, 0 1 2 लेंगे तो हमको जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा इसका वो मिल जाएगा, एक तो आपको 3 मिल जाएगा ठीक है, टी का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 और 5 8 मिल जाएगा, और 2 रखेंगे तो 13 मिल जाएगा आपको,
मॉडुलो 15। ये देखिए आपको कितना जल्दी हिट एंड ट्रायल से बन गया, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से जहाँ पे बनता हो वहाँ पे कोई और मेथड लगाना तो बेवकूफ़ी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको टोटल 4 मेथड बता दिया है कि आप 4 मेथड से जो है को ध्यान में रखिए, ठीक है। बट आपका जो ज़्यादा यूजुअल है, जो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा, वो एक हिट एंड ट्रायल अगर एग्जिस्ट करता है तो, अदरवाइज आप यूक्लिडियन से जाइए, आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आपको, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आपको देखना है कंटिन्यूड फ्रैक्शन वगैरह तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, इसमें भी मिलेगा आपको, चूँकि इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। और जो मेरे SSC बैंकिंग वगैरह वाले ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट हैं, उसमें भी आपको उसका कुछ ट्रिक मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए ठीक है, अलविदा।